हम लोगों ने इससे पहले सिट डाउन चिल्ड्रन, हम लोगों ने इससे पहले कौन सा पार्ट पढ़ा था याद है? सर्कस, सर्कस पढ़ा था। सर्कस के बारे में ठीक से समझ में आ गया है कोई? अब आपको कुछ लग तो नहीं रहा है कि ये चीज नहीं आ रही है? आंटी बता दो। चलो आज हम लोग नया पाठ पढ़ेंगे, सत्यवादी हरीशचंद। हमने ये कहानी इसकी थोड़ी सी तुम लोगों को बताई थी। कब बताई थी? जब हम लोगों ने गांधी जी वाला, बापू वाला पाठ पढ़ा था, जब मैं पढ़ता था उसमें। उन्हें कौन सी कहानी बहुत पसंद थी? और श्रवण कुमार की, सत्यवादी हरिश्चंद्र की। उनको पसंद थी सत्यवादिता के लिए, क्योंकि हरिश्चंद्र जो थे हमेशा क्या बोलते थे? सत्य बोलते थे। सत्यवाद, सत्य बोलते थे। कौन सत्य बोलते थे? हाँ। और श्रवण कुमार वाली उनको क्यों पसंद थी? क्योंकि वो अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे। तो ये दोनों कहानी हमने तुम लोगों को छोटे छोटे उसमें बता चले। उसके बाद फिर हमने श्रवण वाली, श्रवण कुमार की भी बता दिए तुम लोगों को अपने आप में पहले थी। आज हम लोग पढ़ेंगे सत्यवादी हरिश्चंद के बारे में। हरिश्चंद जो थे वो एक जगह, एक राज्य के क्या थे? क्या थे? एक राज्य के। पुराने जमाने की बात है ये, काफी पुरानी, काफी सालों पुरानी बात है। वो एक राज्य के राजा थे। उनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था हरिश्चंद्र की पत्नी जो थी वो कौन थी? और इनके पुत्र का नाम क्या था? पुत्र जो था उसका नाम था रोहित। इनकी कहानियां जो थी हरिश्चंद्र जी की बहुत प्रसिद्ध थी। बहुत इनके बारे में कहा जाता था कि ये हमेशा सच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सच बोलते हैं। और एक बार जो कुछ कह देते हैं उसके बाद उस बात से मुकरते नहीं हैं। इस बारे में, इनकी बारे में इनकी कहानियां बहुत बहुत लोग मानते थे और बहुत दानी थे। हरिश्चंद्र क्या थे? बहुत ज्यादा दानी थे और बहुत अच्छा काम करते थे अपनी प्रजा के लिए। और दान में वो बहुत सारी चीजें अपनी प्रजा को या लोगों को दान दक्षिणा जो मांगने आते थे उनको दे दिया करते थे। अब इनकी कहानी जो थी, इनके बारे में चर्चा कहाँ तक हो गई सोचो? इनके बारे में इतनी ज्यादा चर्चा थी, इतनी ज्यादा लोग इनकी बातें, इतने प्रसिद्ध हो गए थे इसी वजह से कि इंद्र, इंद्र मतलब क्या हो गई? स्वर्ग की बात, ईश्वर भगवान तक को इनके बारे में सब पता था। एक बार क्या हुआ, इंद्र ने क्या सोचा कि इनकी हम लोग क्यों ना, कितने परोपकारी है, कितने दानीय देखे हम लोग भी, चलो इनकी परीक्षा लें। कई बार होता है भगवान आपको कठिन समय में डालता है ना, आपके ऊपर परेशानियां डालता है, पर हम लोग को क्या होना नहीं चाहिए? परेशान नहीं होना चाहिए। कई बार हम लोग की वो परीक्षा लेता है बहुत तरह तरह से। उसी तरह से इंद्र ने क्या सोचा कि क्यों ना इनके हम लोग दान, और बड़े दानी माने जाते हैं, बहुत सत्यवादी माने जाते हैं हरिश्चंद, इनकी क्यों ना हम लोग परीक्षा लें। तो वो उन्होंने क्या किया, इंद्र और विश्वामित्र, इंद्र और विश्वामित्र जो हैं, दोनों ने, विश्वामित्र कौन थे? एक मुनि थे। विश्वामित्र जो थे एक मुनि थे। मुनि मतलब साधु थे। मुनि का क्या मतलब होता है? साधु थे। विश्वामित्र वो भी बहुत प्रसिद्ध थे। विश्वामित्र को, उनका भी बड़ा ही अपने में था कि हाँ बहुत प्रसिद्ध मुनि थे। तो एक बार इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग इनकी परीक्षा लें हरिश्चंद्र की। तो इंद्र के साथ मिलकर विश्वामित्र ने, विश्वामित्र क्या हुए, इनके सपने में आए, स्वप्न में आए। स्वप्न से क्या मतलब होता है? सपने में। स्वप्न से क्या मतलब होता है? सपने, सपना।
तो इनके सपने में आए और इनसे क्या मांगा? दान में दक्षिणा मांगी, और दक्षिणा में उन्होंने क्या मांगा? दान दक्षिणा में राज्य मांगा। हरिश्चंद्र से क्या मांगा दान में उन्होंने? पूरा राज्य मांगा। और हरिश्चंद्र ने सपने में ही अपना पूरा राज्य दान में दे दिया। क्या किया? दान में दे दिया। सोचो, सपने में विश्वामित्र आए मुनि बन के, साधु बन के, दक्षिणा मांगी, और इन्होंने हरिश्चंद्र ने, राजा हरिश्चंद्र ने सपने में ही अपना पूरा राज्य दान में दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? सपना खत्म हो गया। सुबह उठे, आप लोग भी देखते हो ना सपने, कई चीजें सपने में किसी को दे देते हो, तो क्या सुबह भी दे देते हो? भूल जाते हो, भूलते हो कि ये दे देते हो? सपने में तुमने देखा कि मैंने उसको अपनी सबसे अच्छी फ्रॉक दे दी, अपनी सहेली को, अपनी दोस्त को, और वो पहन के जा रही है शादी में, और सुबह उठ के दे देते हो उसको फ्रॉक? नहीं देते हो ना। कोई भी अच्छी चीज, कई बार होता है मिठाई देखी सपने में, भाई मांग रहा है और तुमने दे दी, और सुबह उठे तो अगर भाई मांगेगा तो क्या कहोगे? क्योंकि मैंने सपने में तुम्हें दे दी थी इसलिए दे दूंगा, दे देती हूँ। नहीं दोगे ना। और आप लोगों को कितनी बार ऐसा होता है कि सपना याद रहता है? कितने बच्चों को सपना अपना याद रहता है? सुबह उठ के याद रहता है, और कितनों को भूल जाते हो जो सपने में देखा होता है? हम भी वैसे कई बार होता है, बहुत कम मुझे याद रहता है, वरना क्या होता है? भूल जाते हैं। सपना क्या होता है? भूल जाते हैं ना, सुबह उठे भूल गए। रोज सपना देखते हैं, इसका मतलब तुम्हें बड़ी अच्छी नींद आती है। जब खूब आराम से सोता है आदमी ना, तभी उसे खूब सपने दिखते हैं। हरिश्चंद्र जी ने भी सपने में उनको पूरा अपना राज्य दान में दे दिया। वापस सब लोग आ गए अपने पाठ पे। हरिश्चंद्र जी ने पूरा राज्य उनको दान में दे दिया सपने में। सुबह उठे तो विश्वामित्र जी जब इनके पास आए, उन्होंने क्या मांगा? फिर से उनसे दक्षिणा मांगी, और दक्षिणा में 1000 मुद्राएं मांगी। क्या मांगी? 1000 दक्षिणा में उन्होंने, दक्षिणा में 1000 मुद्राएं मांगी। पहले मुद्राएं चलती थी, जैसे आजकल रुपया चलता है, वैसे पहले क्या चलता था? मुद्राएं चलती थी। तो उन्होंने मुद्राएं मांगी, और अब तो राजा के पास, बताओ, जब उन्होंने पूरा राज्य दे दिया तो उनके पास कुछ बचा? अब आपने तो अपना पूरा राज्य दे दिया, पूरा महल दे दिया, पूरा सब कुछ दे दिया, किसको दे दिया था? ये विश्वामित्र आए थे सपने में, उनको दे दिया। सुबह फिर विश्वामित्र आ गए, 1000 रुपए, 1000 मुद्राएं मांग रहे थे। अब क्योंकि हरिश्चंद्र जो थे वो बहुत दानी थे, और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैंने कब कहा था आपको सपने में कि मैं दान में दे चुका हूँ आपको, या मैंने दान में दे दिया पूरा राज्य। उन्होंने ऐसा बोला? झूठ बोला? नहीं, इतने सत्यवादी थे कि सपने में भी अगर कोई चीज उनके मुंह से निकल गई तो उससे वो मुकरते नहीं थे। अब सुबह जब राज्य में मांगा, बोला गया कि मुझे 1000 मुद्राएं दे दीजिए, विश्वामित्र जी ने मांगी, तो इनके पास थी ही नहीं कुछ भी। अब ये बड़े सोच में पड़ गए कि क्या करें क्या करें। फिर एक आदमी के घर में क्या किया इन्होंने? अपनी पत्नी को क्या किया था? बेच दिया था। क्या करने के लिए? काम करने के लिए। अपनी पत्नी को एक व्यक्ति के घर में बेच दिया, और उसके साथ साथ उनका बेटा भी चला गया, रोहित भी, क्योंकि आप बच्चे, आप लोग मम्मी के बिना नहीं रह सकते हो ना। बस वही चीज हुई। वो भी क्या हुआ? एक पंडित जी ने क्या किया? इनको खरीद लिया, बच्चे को और पत्नी को। बच्चे का नाम क्या था? रोहित, और तारामती को खरीद लिया।
कितने हजार कितनी मुद्राएं दी? 500 मुद्राओं में उनको क्या हुआ? खरीद लिया। और पहले मुद्राएं मालूम है कौन सी चलती थी? स्वर्ण मुद्राएं। कौन सी मुद्राएं चलती थी? स्वर्ण मुद्राएं। स्वर्ण से मतलब मालूम है? स्वर्ण का मतलब होता है सोना। सोना कौन सा सोना? ये वाला सोना, ये वाला सोना जो पहना जाता है, सोने वाला सोना नहीं। स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, तो इन्होंने 1000 मांगी थी। 500 स्वर्ण मुद्राओं में ब्राह्मण ने क्या किया? पत्नी को और बेटे को खरीद लिया। अब बड़ी चिंता में कि 500 मिली है मुद्राएं, और मांगी कितनी थी दक्षिणा में? 1000। अब उनको कितनी और मुद्राएं चाहिए थी? 500 और चाहिए थी। तो हरिश्चंद्र जी को क्या हुआ? शमशान घाट, शमशान घाट जहां पर कि मृतकों को जलाया जाता है, पता है शमशान घाट होता है जहां पर मृतकों को जलाते हैं, वहां पर इनको क्या हुआ? एक नौकरी मिल गई। वहां पर भी इनको भी खरीद लिया गया। और इनका काम क्या था? सबसे पैसे लेने का। जो वहां पर मृतक शरीर को जलाएगा उससे पैसे लेने का, उससे पैसा वसूलने का काम इनको दिया गया। इन्होंने क्या हुआ, 500 कितनी हो गई? 1000 मुद्राएं हो गई। वो इन्होंने क्या किया? विश्वामित्र जी को दे दी। अब बताओ हरिश्चंद्र जी कहाँ पर है? शमशान घाट में। उनकी क्या नौकरी है? मुर्दों को जलाना और उनसे पैसा लेना। और इनका और पत्नी और बच्चा तारामती और रोहित कहाँ है? एक ब्राह्मण के घर में, जहाँ पर वो तारामती जो थी वो उनके घर का सारा काम करती थी, खाना बनाना, बर्तन झाड़ू जैसे होता है, घर के सारे कामकाज करती थी। और जो इनका बेटा था रोहित, वो बगीचा साफ करता था, सूखी लकड़ियां पत्तियां हटाता था और बाग बगीचे की देखभाल करता था। क्या हुआ, ये सब करते करते एक दिन रोहित जो था ना बगीचा साफ कर रहा था, और एक जहरीले सांप ने क्या किया, उसको डस लिया। और जब बहुत जहरीला सांप होता है तो क्या होता है? आदमी उसी समय कई बार मर जाता है। क्या होता है? मर जाता है। वही चीज इनके साथ हुई कि अब तारामती क्या हुआ, जब तारामती ने देखा तो उनके बेटे का देहांत हो चुका था, वो मर गया था, मर चुका था। अब अपने बेटे को लेकर के वो कहाँ पहुंची? शमशान घाट में। कौन था? हरिश्चंद्र। वो क्या करते थे? पैसा लेते थे। वहां पर कोई भी अगर मृतक शरीर को जलाता था, किसी भी मरे हुए इंसान को जलाता था, तो उससे पैसा वसूलने का काम करते थे ये हरिश्चंद्र। अब इनकी पत्नी और पुत्र पहुंचे, सोचो। वहां पहुंचे और इनकी पत्नी ने जब जलाने के लिए कहा अपने पुत्र को, तो हरिश्चंद्र जी ने क्या बोला कि मुझे पैसे दो, पहले कर दो, जो इसका मैं लेता हूँ, जो पैसे वसूले जो सबसे लेता हूँ वो तुम्हें भी देने पड़ेंगे। वो चाहते तो ना लेते, हरिश्चंद्र चाहते तो ना लेते, कोई भी देख रहा था उन्हें, पर क्योंकि वो अपना काम हमेशा सच्चाई से करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, और हमेशा अपना जो भी काम करते थे पूरी ईमानदारी से करते थे, तो कोई नहीं देख रहा था, पर फिर भी इन्होंने उनसे पैसे मांगे। तारामती ने क्या किया, उसने कहा कि मेरे पास बिल्कुल एक पैसा भी नहीं है, एक मुद्रा भी नहीं है, मैं आपको कहां से दूं? पर हरिश्चंद्र नहीं माने। और फिर तारामती ने क्या किया, अपनी साड़ी, अपनी धोती जो उसने पहन रखी थी, उसको आधी फाड़ी और उसमें ही बोली कि इस धोती से आप अपना जो पैसा होता है वो ले लो, जितना पैसा आपको लेना है, ये धोती का आधा टुकड़ा मैं आपको दे रही हूँ, आधे से मैं अपना शरीर ढक लूंगी,
और ये ले लो क्योंकि और मेरे पास कुछ भी नहीं है। सोचो बच्चों की क्या दशा रही होगी, दर्दनाक रहा होगा, कितना दुखी हो रहे होंगे हरिश्चंद्र, कहां वो रानी किसी राज्य की, ये सोचो कहां वो रानी, हरिश्चंद्र राजा बेटा राजकुमार, और आज क्या दशा, ईश्वर क्या कर रहे थे उनकी परीक्षा ले रहे थे। ठीक है, फिर एकदम से जब इतना सब हो रहा था, हरिश्चंद मगर नहीं माने, उन्होंने मांगा, टुकड़ा मिल दिया, सब कुछ तारामती ने धोती का टुकड़ा दे दिया, फिर अचानक से इंद्र भगवान विश्वामित्र जी के साथ वहां पर प्रकट हो गए, और भी बहुत सारे देवता आ गए वहां पर, और उन्होंने क्या किया, राजा की, राजा हरिश्चंद की बहुत प्रशंसा करी और बताया कि हम लोग सिर्फ तुम्हारी आपकी परीक्षा ले रहे थे, और आप वास्तव में, आप सचमुच में बहुत दानी हैं, आप सत्यवादी हैं, आप सच बोलते हैं, और बिल्कुल भी आप अपने निश्चय से जो कुछ आपने एक बार मुंह से कह दिया उससे आप नहीं हटते हैं, तो हम लोग आपकी ये परीक्षा ले रहे थे। और उनको क्या किया, उनके ऊपर पुष्पों की, फूलों की, देवताओं ने क्या करी, वर्षा करी, और उनको उनका राज्य वापस दे दिया, उनको उनका राज्य क्या किया वापस। इसी के ऊपर इसमें भारतेंदु, एक भारतेंदु जी जो थे वो भी एक कवि हैं, उन्होंने लिखा है, चंद्र तरे सूरज तरे, तरे जगत व्यवहार, कि सूरज टल सकता है, चंद्रमा टल सकता है, सूरज एक दिन ना निकले हो सकता है, चंद्रमा एक दिन थोड़ा आगे पीछे हो जाए ना निकले हो सकता है, जगत में पूरे संसार की चीजें बदल सकती हैं, तय दृढ़ हरिश्चंद्र को, पर जो एक बार निश्चय कर लेते हैं हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र ने जो एक बार निश्चय कर लिया सच्चाई बोलने का, सत्य बोलने का, वो कभी नहीं टल सकता, वो नहीं बदल सकता। समझ रहे हो, समझ में आई कि नहीं आई, इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है हमें बताओ, झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। बच्चों कई बार होता है कि आप झूठ बोलते हो ना मजाक मजाक में, एक वो कहानी पता है, एक लड़का था जो चिल्लाता था शेर आया, और जब उसके गांव वाले मदद करने जाते थे तो वहां कोई शेर नहीं होता था, तो क्या होता था, वो हंस करके कहता था बेवकूफ बना दिया। एक दिन सचमुच का शेर आ गया, और जब वो चिल्लाया बचाओ बचाओ तो कोई नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि वो झूठ बोलता था। अगर आप लोग दो बार झूठ बोलोगे और उसी बात, और कभी सच बोलोगे, आपने दो बार झूठ बोला एक बार सच बोला तो क्या होगा, जब आपने दो बार झूठ बोला तो जो एक बार सच बोला उस पर कोई विश्वास करेगा जल्दी नहीं, है ना, सब सोचेंगे इस बार भी ये झूठी बोल रही है, इसकी तो आदत हो गई है झूठ बोलने की और ये तो अभी भी झूठ बोल रही होगी। सोचते कि नहीं सोचते, आप लोग भी सोचते हो, तो अब हम लोग क्या करोगे, आप लोग बताओ, सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, चलिए स्टैंड अप चिल्ड्रन।